लता मंगेशकर की आवाज से मिलती आवाज वाली रानू मंडल को अब बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे हैं। रानू को फेमस करने वाले अतीन्द्र चक्रवर्ती ने ही रानू मंडल का सारा कामकाज का जिम्मा उठाया हुआ है। रानू उन्हें बेटे की तरह मानती हैं। इसी बीच रानू की बेटी एलिजाबेथ साती रॉय ने अतीन्द्र चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। एलिजाबेथ का कहना है कि उन्हें उनकी मां से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर रानू मंडल से मिलने की कोशिश की तो उनके पैर तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सोशल मीडिया की बात की जाए तो लोग अतीन्द्र चक्रवर्ती का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रानू की बेटी को इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं को भी झेलना पड़ रहा है। लोग उन्हें अपनी बूढ़ी मां को छोड़ देने के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि अच्छा किया धमका कर, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुझे बागवान फिल्म का सीन याद आ गया। एक और यूजर ने लिखा, माँ से मिलना है या फिर पैसों से मिलने की कोशिश की है, जब माँ भीख मांग रही थी तब माँ नहीं थी, शोहरत मिलते ही माँ याद आ गई। एक और यूजर ने कमेंट किया, ऐसा ही मैनेजर होना चाहिए, 8 साल तक याद नहीं आई, अब रिश्ता जोड़ना चाहती हो। इसी तरह से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर रानू मंडल की बेटी की आलोचना की। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुझे इस बात का बेहद दुख है कि उसने केवल कहा तुम्हारे पैर सच में तोड़ देने चाहिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।